बाढ़ पुलिस ने पिस्तौल का भय दिखाकर लूटकांड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। साक्ष्यों के आधार पर कांड में संलिप्त एक अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। बाढ़ के एएसपी अपराजित लोहान ने बताया कि फरवरी माह में सीएसपी कर्मचारी अंकित राज से सीएसपी जाने के क्रम में पिस्तौल का भय दिखाकर उससे मोबाइल, लैपटॉप तथा पैसा लूट लिया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लूटी गई मोबाइल तथा लैपटॉप को भी बरामद कर लिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए बाढ़ थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई तथा अपराधियों की धरपकड़ के लिए छानबीन शुरू कर दी गई, जिसके बाद घटना में संलिप्त रवि पासवान को उनके गांव दरियाचक थाना अथमलगोला से गिरफ्तार कर लिया गया। घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। वहीं इस घटना में संलिप्त एक अन्य अभियुक्त शिशुपाल को बंगाल पुलिस के द्वारा विगत सप्ताह अवैध आग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस कांड के अलावा पूर्व में हुए दो अन्य लूट कांड, बाढ़ थाना के फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के कर्मी के साथ लूट एवं भदौर थाना के पंजाब नेशनल बैंक से पैसा निकलकर ले जाने वाले एक व्यक्ति से रुपयों की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें भी गिरफ्तार अभियुक्त ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। फिलहाल लूटकांड में शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं तथा छापेमारी की जा रही है। पंजाब नेशनल बैंक के एक सीएसपी के कर्मी से लूटपाट हो गई थी, जिसके तहत बाढ़ थाना अंतर्गत 93/24 दिनांक 6 फरवरी 2024 को एक कांड दर्ज हुआ था, लूट का मामला दर्ज हुआ था, जिसके अंदर पिस्तौल का भय दिखाकर उस कर्मी से मोबाइल, लैपटॉप तथा कुछ पैसा लूट लिया गया था। घटना के को अंजाम देते ही एक घंटे के अंदर अंदर जो लैपटॉप है और जो मोबाइल फ़ोन था जो लूटा गया था वो बरामद कर लिया गया था। आज उस कांड के जो मुख्य अपराधी थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जो ये हैं, इनका नाम है रवि पासवान, जिनका उम्र करीब 27 वर्ष है, पिता स्वर्गीय दिनेश पासवान, साकिन दरियाचक, थाना अथमलगोला। कहाँ से गिरफ्तारी की गई? ये इनके घर पे ही लगातार छापामारी पुलिस के द्वारा की जा रही थी और गुप्त सूत्रों से हमें सूचना मिली थी कि ये होली पे वापस से घर आने वाले हैं। पहले ये फरार थे, तो जब इनके घर पे छापामारी की गई तो कल ही इनको रात को गिरफ्तार किया। इसके सहयोगी तो पहले भी गिरफ्तार हुए? इनके जो सहयोगी हैं वो है शिशुपाल, पिता संत पासवान, साकिन रसूल्ला, थाना पंडारक, वो पहले गिरफ्तार हो गए हैं। उनको बंगाल पुलिस के द्वारा विगत सप्ताह में अवैध आग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार किया करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसी क्रम में जब इनसे पूछताछ किया गया तथा शिशुपाल से भी जब इंटरोगेशन किया गया तो इन्होंने अपने आप को दो जो अन्य कांड हैं जो कि हैं बाढ़ थाना 666/23 जो कि 9 अक्टूबर 2023 और 224 भदौर थाना दिनांक 8 जनवरी 2024 इन दोनों के अंदर भी इन्होंने अपनी जो संलिप्तता है उसको स्वीकार किया है। उन दोनों कांडों का भी मोडस ऑपरेंडी जो था वो सेम था, उसके अंदर भी या तो जो व्यक्ति जिसको लूटा गया था वो किसी बैंक में काम करता था या फिर कोई सीएसपी में काम करता था और उनसे भी ये इसी तरीके से बाइक पे जाते थे, उनको पिस्तौल का भय दिखाकर उनसे छीना झपटी करके लूट करते थे। तो इसके अंदर हमें जो प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद हो गई है, साथ में जो मोबाइल जो हमारी तकनीकी शाखा वालों ने जो मोबाइल का उसके अंदर चिन्हित किया था वो मोबाइल भी बरामद हो गया है और जो लूटा हुआ मोबाइल और लैपटॉप था वो भी बरामद। ये सीएसपी कहाँ चलता था सर? ये सीएसपी जो 93/24 वाला जो सीएसपी है वो पंजाब नेशनल बैंक का है, जो 666/23 है वो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का कर्मी के साथ लूट हुई थी और जो भदौर वाला है वो पंजाब नेशनल बैंक का ही एक शाखा, भदौर में ही जो शाखा है उससे एक व्यक्ति 1,84,000 रुपए निकाल के ला रहे थे जिससे इनका लूट हुआ था। सुराग तो मनकौरा कांड से नहीं मिला सर? हाँ जी, सुराग जो इसका मिला है मनकौरा कांड से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मनकौरा वाला सर।